हाय फ्रेंड्स, आज हमें मनाली में हम आज जो रुके हैं मनाली में होटल पीक व्यू में रुके हैं, जो कि पिरनी गांव में है, माल रोड से 2 किलोमीटर दूर नगर रोड पर। और ये होटल जो हमने लिया है आज, वो महिंद्रा का जो शोरूम है उसके पास में ही है। और सबसे बड़ी बात, हमने यहाँ होटल इसलिए लिया है, आप मेरे पीछे व्यू देख रहे होंगे और सफ़ेद पहाड़ी दिख रही है जो कि बर्फ़ से ढकी पड़ी है, और व्यू का जो है ना 360 एंगल बहुत प्यारा है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये जगह ली है रहने के लिए। नहीं तो मैं माल रोड पे भी ले सकता था। हम मनाली आके व्यू को एंजॉय ना करें तो वो अच्छी बात नहीं, इसलिए मैंने यहाँ ली है। आज हमारा मोटिव है कि हम 10 से 12 मिनट के अंदर आपको पूरा का पूरा मनाली दिखा देंगे कि क्या क्या मनाली में आप लोकल घूम सकते हैं। आज पहले एपिसोड में आप हमसे जुड़ रहे हैं, और अभी तक आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आगे भी आपको वीडियो मिलेंगी। अभी मैं आपको होटल का दिखाता हूँ एक बार रूम। यहाँ पे बहुत ही अच्छी रूम है, जो कि मैंने डबल ऑक्यूपेंसी में 2000 रुपये का पर रूम लिया पर डे के हिसाब से। मेन इस होटल की बात क्या है, मैं जब बालकनी में खड़ा था ना, उधर से भी वही व्यू आ रहा था जो मैं पार्किंग में खड़ा हूँ, उधर से जो व्यू आ रहा है। अभी सबसे पहले अब मैं बाइक लूँगा यहाँ से। एक गेस्ट और रुके हुए थे यहाँ पे, जिन्होंने बाइक ये ली हुई है, वो आज ये छोड़ रहे हैं। मेरा मानना यही बाइक ले लूँ मैं, अब शॉप पे जा रहा हूँ। इस हो सकता है उधर मुझे और दूसरी बाइक मिली तो ठीक है, नहीं तो यही ले लेंगे। अभी हम बाइक लेने के लिए आ गए मनाली, हम जो लोकल घूमेंगे बाइक से घूमेंगे। अभी जो आज हमें रेट पड़ा है ऑफ सीजन में बाइक का 800 रुपये पर डे, और थोड़ा कंडीशन में भी निर्भर करता है। आप नया मॉडल लेंगे, 1-8 साल पुराना, तो वो 1000-900 तक भी जा सकता है। सीज़न में रेट 1200 से 1800 तक चले जाते हैं। अभी हमने ले लिए ये और चलते हैं अब राइड पे। वशिष्ठ टेम्पल जाने के लिए आपको 2 किलोमीटर सोलंग वैली रोड पे चढ़ के सीधे हाथ पे मुड़ना पड़ेगा, जो कि रोड वशिष्ठ टेम्पल की ओर जाता है। अभी हम वशिष्ठ टेम्पल आ चुके हैं। ये कहा जाता है ये 4000 वर्ष पुराना मंदिर है। सप्त ऋषियों में से एक गुरु वशिष्ठ, जो भगवान श्री राम के भी गुरु थे, उन्होंने यहाँ 88000 वर्षों तक तपस्या की है। यहाँ पे एक स्वतः ये गर्म जल कुंड का प्रवाह बना हुआ है, जहाँ लोग नहाते हैं, और लोगों की मान्यता ऐसी भी है उस जल में नहाने से शारीरिक स्क्रीन कोई प्रॉब्लम होती है तो वो भी मिट जाती है। अब यहाँ से हम जाएंगे सीधे हिडिंबा टेम्पल के लिए। अभी आप देवदार के पेड़ों के पीछे जिस मंदिर को मेरे पीछे देख रहे हैं, माता हिडिंबा को समर्पित ये मंदिर है। आपने महाभारत काल में भीम का नाम तो सुना ही होगा, हिडिंबा उन्हीं की पत्नी थी। और इसके साथ आपको एक बात और भी बता दूं, आपने खाटू श्याम जी का नाम सुना होगा, उनकी दादी थी। ये मंदिर जो है कुल्लू के राजा बहादुर सिंह जी ने 1553 ईस्वी में बनवाया था। बहुत प्राचीन मंदिर है। मेन इस मंदिर की सुंदरता के कारण इसको जाना जाता है। आप यहाँ आके 1 से 1.5 घंटा बिता सकते हैं, और यहाँ का लोकल ड्रेस पहन के भी आप फोटो खिंचा सकते हैं। आप जब आएंगे तो यहाँ का मेन प्लेस है ये देखने के लिए मनाली का, और जो कि आपको माल रोड से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पड़ेगा। मेन आपको अपनी गाड़ी से आते ठीक है, नहीं तो आप पैदल आते हैं, तो इसके लिए आपको पहले से अपनी स्ट्रेटेजी बना के रखनी पड़ेगी। अब यहाँ से हम जा रहे हैं ओल्ड मनाली में होते हुए मनु टेम्पल। प्रकृति की गोद में बना ये मंदिर मनु टेम्पल, जिसके नाम से मनाली जाना जाता है। पहले इस मनाली शहर का नाम मनुवालिया था, बाद में इसको बदल के मनाली कर दिया गया। कहा जाता है मनु ऋषि यहाँ बहुत समय तक रुके थे, आज भी यहाँ पे उनके आप दर्शन कर सकते हैं प्रतिमा स्वरूप में। और ज़्यादा जानकारी इस मंदिर की इसलिए नहीं है कि कब बना था, उसकी पूर्ण जानकारी नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, मनु ऋषि ने ही मनुष्य की जीवन की 100 वर्ष की एवरेज आयु निश्चित करी थी। अभी हम यहाँ पे आए हैं 3 किलोमीटर का सफ़र ऊपर करके माल रोड से, 4 किलोमीटर करीब का सफ़र ऊपर करके आए हैं हम। और चढ़ाई इतनी ज़्यादा है कि आपको एक्सपीरियंस ना हो इस चढ़ाई पे गाड़ी चलाने का तो आप ना चलाएं भाया, टैक्सी भी आ रही है यहाँ तक, उसी में आएँ।
अभी हमने मनु टेम्पल जो मेन यहाँ का केंद्र है जिसके नाम पे मनाली का नाम पड़ा था शहर का, उसके दर्शन किए हैं। अब यहाँ से हम जा रहे हैं नीचे और अपने होटल में कुछ देर रुकेंगे, उसके बाद फिर शाम को हम निकलेंगे। मनु टेम्पल से हम माल रोड के लिए जब जाएंगे, 2 किलोमीटर चढ़ाई से नीचे उतरते ही हमें ओल्ड मनाली दिखेगा। ये बहुत फेमस जगह है, अधिकतर लोग यहाँ रुकना पसंद करते हैं। यह भीड़ भड़ाके का भी इलाका है, ये यहाँ ब्यास नदी बह रही है ये, और आप क्लब हाउस सामने ही है जहाँ आप क्लब हाउस में जाके अंदर मार्केटिंग कर सकते हैं। क्लॉथ की और बच्चों के लिए झूले वगैरह भी अंदर बहुत है जहाँ आप खा पी भी सकते हैं। और यहाँ ब्यास नदी के पास बहुत से छोटे छोटे नए रेस्टोरेंट बने हुए हैं जहाँ बैठ के आप स्नैक्स और फूड का मज़ा ले सकते हैं। और यहाँ पे कुछ एक्टिविटी भी हो रही है, रिवर क्रॉसिंग जिसके बीच में रोक के जंपिंग कराई जाती है। अभी सर्दी का वक्त होने के कारण पीछे से पानी इतना तेज़ी से पिघल नहीं रहा है, पर यहाँ मई जून मार्च के बाद पानी इतनी तेज़ी से आता है, या अभी कम से कम 1 फुट ऊपर तक पानी भर जाता है, और उस समय रिवर क्रॉसिंग करने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है। रिवर क्रॉसिंग कराने का जो यहाँ पे चार्ज है 150 रुपये प्रति व्यक्ति है, आप यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हैं। अधिकतर क्लब हाउस पे लोग आते हैं इसलिए रिवर क्रॉसिंग को, और यहाँ पे बैठ के स्नैक्स एंजॉय करने के लिए। अब हम अपने होटल में आ गए थे। सबसे पहले हमने होटल में आके ड्रोन उड़ाया, उसके बाद कुछ देर आराम किया और शाम के वक्त हम निकल गए माल रोड के लिए। माल रोड जो कि मनाली की शान मान रहता है, शाम के टाइम पे यहाँ का मुख्य केंद्र माल रोड ही होता है। माल रोड पे आप अपना शाम का समय बिता सकते हैं, साथ के साथ आप मार्केटिंग कर सकते हैं। यहाँ आपको बहुत प्यारी प्यारी शॉप्स मिलेंगी शॉपिंग के लिए, हर तरह के हैंडीक्राफ्ट आइटम भी मिलेंगे, और तो और आप यहाँ पे स्नैक्स और फूड को भी इंजॉय कर सकते हैं, और एक से एक चीज़ों की आप शॉपिंग कर सकते हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए। और शाम का वक्त वैसे भी माल रोड के लिए जाना जाता है।